सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स. आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोनाउंस. ठीक है, नाउन के सेगमेंट को हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया. आज से हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज प्रोनाउन. बड़े ध्यान से बड़े आराम से समझना है. देखो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं नाम क्या है. देखो एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, ठीक है, संस्कृत में एक कहावत है, यथा नाम तथा गुण. ठीक है, जैसा नाम वैसा गुण. अब देखो यहां लिखा प्रो, ठीक है, इसमें लिखा प्रो. प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ. अब अगर मैं इसे ऐड कर दूं तो देखो क्या हो जाएगा. प्रो नाउन अगर मैंने बोला तो इन प्लेस ऑफ नाउन. ऐसे शब्द जिन्हें हम नाउन के जगह पर यूज करें, फिर से ध्यान से सुनना, ऐसे शब्द जिन्हें हम नाउन के जगह इस्तेमाल करें उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. अब यहां एक चीज समझने वाली है, जब नाउन से काम चल रहा था तो फिर प्रोनाउन की जरूरत क्या थी. देखो इसको एक एग्जांपल से समझना. मैंने लिखा राम इज अ गुड बॉय. राम स्पीक्स कॉन्फिडेंटली. राम गोज टू स्कूल एट 7 a.m. in the morning. If you look carefully, अगर आप ध्यान से देखें तो हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो राम है. अच्छा, इस राम को हम बार बार हम इसका उच्चारण कर रहे हैं. भले उच्चारण करोगे तो मोक्ष मिलेगा, लेकिन बार बार देखो रेपिटेशन हो रहा है. ठीक है, तो अगर मोक्ष पाना आपका टारगेट नहीं है तो फिर आप बोलोगे बार बार. अच्छा चलो, मान लो इसी राम की जगह राहुल होता. अब बार बार राहुल बोलने से तो कुछ होगा नहीं. ठीक है, तो इसके रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, देखो ध्यान समझना, सब्जेक्ट जो है इसके रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए बार बार हम इसे यूज कर रहे हैं. बार बार अगेन सब्जेक्ट का नाम आपको बार बार लेना पड़ रहा है. तो इस नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने यूज क्या कर लिया, हमने यूज कर लिया प्रोनाउन. ध्यान से समझना नाउन के. देखो हर चीज का एक रीजन होता है, वो भी समझना है. ऐसे नहीं पढ़ लेना है नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या वर्ब, ऐसा नहीं. नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने क्या यूज कर लिया, प्रोनाउन. तो इसे ध्यान से समझना, व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोनाउन. प्रोनाउन है क्या, क्यों हमने यूज किया इसको, टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ नाउन. नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने क्या यूज कर लिया, प्रोनाउन कर लिया. ठीक है जी, एक चीज तो ये समझ में आई यहां से कि हम भैया हमको नाउन नहीं चाहिए बार बार, तो हमने क्या कर लिया, हमने यूज कर लिया प्रोनाउन. प्रो का मतलब ही क्या होता है, इन प्लेस ऑफ, तो इन प्लेस ऑफ नाउन इज प्रोनाउन. एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. एक चीज ध्यान से समझना, ठीक है, एक चीज ध्यान से समझना. देखो हमने लिखा आई, ठीक है जी, हमने लिखा आई, इसी आई का प्लूरल हो गया वी. फिर हमने लिखा यू, इसी यू का प्लूरल हो गया यू. ठीक है, तो यहां सिंगुलर भी यू, प्लूरल भी यू. यहां सिंगुलर था आई, प्लूरल थी वी. फिर हमने लिखा ही, हमने लिखा शी, हमने लिखा इट. अब इस ही का प्लूरल दे, शी का प्लूरल दे, और इट का प्लूरल भी दे. अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना. ये जो आपने लिखा आई, ये आई हो गई सिंगुलर, ये वी हो गया प्लूरल. यू हो गया सिंगुलर, यू हो गया प्लूरल. ही हो गया सिंगुलर, शी हो गया सिंगुलर, इट हो गई सिंगुलर, और इन तीनों के जो है वो हो गए प्लूरल. पहली चीज तो ये. अब ये जो आई वी यू यू ही शी इट दे है ना, इसी को हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन. इसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन. इसे हम पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसे नाउन है जो किसी व्यक्ति को रिफर करते हैं. ध्यान समझना, वी कॉल देम पर्सनल प्रोनाउन्स. व्हाई, बिकॉज दे रिफर टू एन इंडिविजुअल. ये किसी इंडिविजुअल को, किसी स्पेसिफिक पर्सन को ये बिलोंग करते हैं, तो हम इन्हें कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, अब ये जो पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी है ना, इसमें जो आई और वी है ना, इसे हम कहते हैं स्पीकर. ये स्पीकर है, और इसे हमने कह दिया फर्स्ट पर्सन. इसे हमने कह दिया क्या, फर्स्ट पर्सन. आई, आई का प्लूरल वी,
इसे हम कहेंगे इस कैटेगरी को स्पीकर, और ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन। अच्छा, ये अगर स्पीकर है तो यू क्या हो गया, यू हो गया लिसनर, यू हो गया लिसनर, और ये कहलाया सेकंड पर्सन। ये क्या कहला गया, सेकंड पर्सन। बचे ही शी इट और दे, तो ये जो बच गए ना इन्हें हम कहते हैं थर्ड पर्सन, इन्हें हम कहते हैं थर्ड पर्सन। अगर ये ऐसे याद ना हो पाए तो इसका दूसरा ढंग एक बता देता हूं। देखो, आई ने यू से बात की, किसके बारे में बात की, इनके बारे में बात की, तो इन्हें आप कहते हैं थर्ड पर्सन। फिर से ध्यान समझना, स्पीकर ने बात किया लिसनर से, लेकिन अगर स्पीकर चुगली कर रहा है लिसनर से तो किसके बारे में चुगली करेगा, किसी थर्ड पर्सन के बारे में चुगली करेगा। तो ये ही शी इट या दे, ये थर्ड पर्सन है। ही शी इट सिंगुलर है, दे इनका करस्पोंडिंग प्लूरल है। एक बार ध्यान से मेरे साथ फिर से समझ लेना, पर्सनल प्रोनाउन है आई, आई का प्लूरल वी, यू सिंगुलर भी हो सकता है, यू प्लूरल भी हो सकता है, ही शी इट, और इन तीनों के अगर प्लूरल आपको चाहिए तो दे हो जाएंगे। मतलब अगर लड़का है एक से ज्यादा है तो दे, शी लड़की है एक से ज्यादा है तो दे, इट क्या है हम डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे, तो ज्यादा है तो प्लूरल हो जाएगा। एक चीज तो ये समझ में आई। अब देखो, ये जो पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी है ना, ये है सब्जेक्ट प्रोनाउन, ये है हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, ऐसे प्रोनाउन जिनका इस्तेमाल आप सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट करते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक है, अर्लियर वीडियोस में सब खत्म कर चुके हैं। तो जब भी आप किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे और अगर उस प्रोनाउन का इस्तेमाल आप सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट कर रहे हैं तो आपको इस कैटेगरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़े लेकिन किसी सेंटेंस में उस प्रोनाउन का इस्तेमाल एज एन ऑब्जेक्ट करना पड़े, तो उस समय मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो देखो, करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट प्रोनाउन समझ लेते हैं। करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, आई का करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, मी, ठीक है जी। आई का जो प्रोनाउन है करस्पॉन्डिंग वो है मी। वी का करस्पॉन्डिंग हमें प्रोनाउन चाहिए, तो वी का करस्पॉन्डिंग प्रोनाउन है अस। यू का करस्पॉन्डिंग प्रोनाउन चाहिए, यू का करस्पॉन्डिंग प्रोनाउन होता है यू। इसका मतलब सेंटेंस में अगर आपको सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट यूज करना है तो भी यू यूज करोगे, और एज एन ऑब्जेक्ट यूज करना है तब भी यू करोगे। प्लूरल अगर हो तब भी क्या करना, यू ही होगा। ही का करस्पॉन्डिंग प्रोनाउन चाहिए, ही का करस्पॉन्डिंग प्रोनाउन होता है हिम। अब करस्पॉन्डिंग प्रोनाउन होता है हिम, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, इसका मतलब समझो बार बार जो बोल रहा हूं कि सेंटेंस में अगर आपको एज अ सब्जेक्ट यूज करना है किसी पर, किसी मेल के लिए, किसी मेल के जगह में आपने एक बार नाम लिख लिया, जैसे राम, राम इज अ गुड बॉय, अब आपको लिखना है राम स्पीक्स कॉन्फिडेंटली, तो राम के जगह में अब आप क्या लिखेंगे, तो ही लिखेंगे एज अ सब्जेक्ट। लेकिन अगर एज एन ऑब्जेक्ट चाहिए तो हिम लिखोगे। शी का करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या हो गया, हर हो गया। इट का करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इट ही होता है। दे का करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है देन। यहां से एक दूसरी लिस्ट तैयार हो गई हमारी, और ये जो लिस्ट हमने अभी पढ़ी ये है हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो यहां से हमें एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, सब्जेक्ट प्रोनाउन अगर हमको यूज करने हैं तो हमें इस लिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी पर्सनल प्रोनाउन की। अगर हमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करना है तो ये लिस्ट, इस लिस्ट से हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हम यूज करेंगे। ये सारे लिस्ट जो बना दी हमने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के, इनका हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब सब्जेक्ट क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे इनके पोजीशन के बारे में बात करना पड़े, ठीक है, मुझे इनके पोजीशन के बारे में बात करना पड़े। तो अगर आपको इनके पोजीशन के बारे में बात करना है, अगर आपको इनके पोजीशन के बारे में बात करना है तो हम क्या यूज करेंगे। तो देखो, ध्यान से समझना, आई का करस्पॉन्डिंग पजेसिव प्रोनाउन चाहिए। अभी हमने सीखा सब्जेक्ट प्रोनाउन, फिर हमने सीखा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इस आई का अगर कोई पजेशन है, मतलब आई के पास मान लो घर है, तो फिर ये कैसे बोलेगा ये मेरा घर है। दो तीन लोगों का घर है तो ये कैसे बोलेंगे ये हमारा घर है। यू के पास कुछ है वो कैसे बोलेगा ये तुम्हारा है। मान लो किसी को मुझे बोलना है ये तुम्हारा है, तो मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगा, तो मुझे चाहिए करस्पॉन्डिंग पजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि पजेशन को शो करने के लिए मुझे करस्पॉन्डिंग क्या चाहिए, पजेसिव प्रोनाउन चाहिए।
अब मैं जो प्रोनाउन लिखूंगा वो होंगे पजेसिव प्रोनाउन। तो देखो पजेशन बताने के लिए हमें क्या चाहिए, पजेसिव प्रोनाउन चाहिए, पजेसिव प्रोनाउन। तो अगर मुझे आई का पजेशन बताना ना, तो इसका करस्पॉन्डिंग पजेसिव प्रोनाउन होता है माई, ठीक है जी। वी का अगर करस्पॉन्डिंग पजेसिव प्रोनाउन ढूंढोगे तो वो होता है आर, अवर नहीं बोलना, प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना, इट्स आर, आर होम। यू की करस्पॉन्डिंग अगर आपको पजेसिव प्रोनाउन चाहिए तो दोनों ही केस में क्या होते हैं, योर। तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ही की अगर मुझे करस्पॉन्डिंग पजेसिव प्रोनाउन चाहिए तो हिज, शी की करस्पॉन्डिंग पजेसिव प्रोनाउन चाहिए तो हर, इट की करस्पॉन्डिंग पजेसिव प्रोनाउन चाहिए तो इट्स, और दे के करस्पॉन्डिंग पजेसिव प्रोनाउन होते हैं देयर। ये जो हमने लिस्ट तैयार कर ली अभी, ये है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन आप कब इस्तेमाल करेंगे, पजेसिव प्रोनाउन हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें किसी भी पर्सनल प्रोनाउन का पजेशन बताना है, कि उसका ये पजेशन है, और उस पजेशन को बताने के लिए हमने पजेसिव प्रोनाउन, करस्पॉन्डिंग पजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर लिया। देखो ध्यान से एक चीज समझना, ये जितने भी आपके पजेसिव प्रोनाउन हैं, ठीक है, ये जो हमने चार्ट बनाया है इसको ध्यान में रखना, जब आप इनका इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं तो इनके आगे कंपलसरी है कि आपको नाउन जोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने बोला माई होम, तो आपको ये बताना पड़ेगा माई होम, आर होम, योर होम, योर होम, हिस होम, हर होम, इट्स होम, देयर होम, ठीक है, आपको ये बताना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। तो ये जो हमने लिस्ट तैयार कर ली ना, इसका मतलब ये है कि जब भी आप इस लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो करस्पॉन्डिंग नाउन आपके आगे होना चाहिए। एक बार फिर से ध्यान से समझ लेना, अगर आप पजेसिव प्रोनाउन के इस लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके आगे नाउन कंपल्सरली आपको यूज करना ही पड़ेगा, दैट इज कंपल्सरी टू यूज नाउन, कंपल्सरी। अब ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश में अगर आपको पजेशन बताना है तो एक दूसरा तरीका भी है। वो दूसरा तरीका क्या है कि अगर आई का करस्पॉन्डिंग मैं पॉजिटिव प्रोनाउन यूज करूं तो माई होम के जगह मैं एक और वर्ड बोल सकता हूं और डायरेक्टली मैं नाउन को हटाकर यूज कर सकता हूं माई। मतलब देखो ये दो तरीके हैं बोलने के। मान लीजिए आई बोलना चाहता है ये मेरा घर है, तो वो दो तरीके से बोल सकता है। वो बोल सकता है दिस इज माई होम, दिस इज माई होम, एक तरीका हमने अभी भी सीखा, अगर आपने माई यूज किया ना तो इसके आगे आपको नाउन यूज करना पड़ेगा, सो दिस इज माई होम। एक दूसरा तरीका भी है, आप बोल सकते हैं दिस होम इज माइन, ये घर मेरा है, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, तो पोजेशन बताने के लिए आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये दोनों आप तरीके यूज कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि इसको ध्यान से समझना कि ये जो तरीका है इसमें आपको कंपलसरी है कि आप क्या यूज करें, आप यूज करें प्रोनाउन, ठीक है जी। अब देखो सॉरी, आपको कंपलसरी कि आपको यूज करना पड़ेगा आगे नाउन, उसका नाउन बताना पड़ेगा आपको, क्या पोजीशन जो आप बता रहे हैं उसके आगे आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी लिस्ट हम बनाते हैं पोजीशन बताने के लिए, तो एक आई की करस्पॉन्डिंग क्या हो गई माइन, आर की जगह आप सीधा लिखेंगे आर्स, योर की जगह आप लिखेंगे योर्स, ठीक है जी। हिस के जगह आप हिस ही लिख सकते हैं, हर के जगह आपको लिखना पड़ेगा हर्स, इट का कुछ होता नहीं, देयर के जगह आपको लिखना पड़ेगा देयर्स। अब ध्यान से समझना, एक दूसरी लिस्ट भी तैयार हो गई और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि पोजीशन को आप दो तरीके से बता सकते हैं, या तो इस लिस्ट के सहारे बता दो, किसी को बताना था मेरा घर तो मेरा घर, हमारा घर तुम्हारा घर, उसका घर लड़की है तो उसका घर, इट्स है, अभी एप्लीकेशन पढ़ेंगे इट का मतलब क्या होता है, कहां कहां यूज करते हैं, और फिर देयर मतलब एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा है तो उनका घर, ऐसा हो जाएगा। या फिर हटाओ इस होम को, डायरेक्ट बोलो द होम इज माइन, दिस होम इज आर्स, दिस होम इज योर्स, ये तुम्हारा है। तो ये तरीका है, जब आप इस कैटेगरी को यूज करते हो तो इसके आगे हमें नाउन की जरूरत नहीं है। ध्यान से समझना, दो कैटेगरी जो है इनमें एक कैटेगरी बोलती है कि अगर आप इस चार्ट को यूज करेंगे सो इट इज कंपल्सरी टू यूज नाउन इन फ्रंट ऑफ देम। If you want to use in this fashion, अगर इस fashion में start, मतलब आप use करना चाहते हैं तो इसके आगे आपको noun को का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है।